नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में बस एक क्लिक पर किताब छात्रों के हाथ में होगी। देश के साथ ही प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके चलते एक बार फिर से सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजी संस्थानों में तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ ने मिलकर बिहार बोर्ड में के 9वीं और 12वीं के सिलेबस के अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है। यहाँ पर पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के किताबों के अलावा हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो भी रहेगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि YouTube पर भी उन सभी विषय के चैप्टर का लिंक रहेगा, जिसका फायदा रेफरेंस के तौर पर छात्र उठा सकते हैं। पिछले साल कोरोना काल के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए सभी कक्षाओं का वीडियो भी रहेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कहा है कि कक्षावार किताबें रखी गई है। छात्र कक्षा चयन के बाद विषय चुनेंगे और फिर विषय के चैप्टर को चिन्हित करेंगे, उसके बाद उन्हें पढ़ सकते हैं। इसमें किताबों को डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं होगी। इसमें पढ़ने के पलटने की सुविधा दी गई है। ई लाइब्रेरी का बहुत ही जल्द उद्घाटन किया जाएगा। ई लाइब्रेरी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इससे पहले चरण में किताबें डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में डाली जाएगी। अब कोरोना काल में दूरदर्शन पर चली कक्षाओं को वीडियो इसमें डाला जाएगा। प्रथम चरण का काम लगभग समाप्त हो चुका है। अगले सप्ताह उद्घाटन होने की भी उम्मीद है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर छात्र इसका फायदा उठा सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक संजय सिंह ने बताया कि ई लाइब्रेरी बिहार के सरकारी स्कूल के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। इसमें बिहार टेक्स्ट बुक की सारी कक्षाओं की किताबें डिजिटल फॉर्मेट में रखी गई है। इसमें छात्र घर बैठे या कहीं से भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जानिए इसके क्या क्या हैं फायदे। यहाँ पर आप हर विषय के चैप्टर आसानी से पढ़ सकते हैं। आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसे आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, छात्र अपना चैप्टर पढ़ने के बाद कितना समझ पाए इसका अवलोकन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद एक प्रश्नोत्तरी दिया गया है, जिसमें छात्रों को यह पता चलेगा कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पिछले 2 सालों से शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कोरोना महामारी जैसी आपदा से भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन किया है। इतना ही नहीं, BSEB ने देश में सबसे पहले परीक्षा लेने और रिजल्ट देने का भी रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। अब इधर बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा बिहार में ई लाइब्रेरी की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि कोरोना महामारी के दौरान हर बच्चे घर पर रहे तो अपने पाठ्यक्रम को आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा है कि सबसे पहले इसकी मार छात्राओं पर पड़ती है। ऐसे में अब बिहार सरकार अपने छात्रों को लेकर सजग हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में शिक्षा को लेकर एक नई पहल देखने को मिलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।